हेलो जी कैसे हो सारे दिस इज लव एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प ये हमारी सीरीज का सेकंड लेक्चर है इसमें हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं बहुत सारी बेसिक चीजें समझेंगे एक प्रोग्राम कैसे रन होता है क्या क्या लिखना होता है किस लाइन का क्या मतलब होता है हर चीज बहुत बारीकी समझने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं गेटिंग स्टार्टेड गेटिंग स्टार्टेड तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम अपना सोर्स कोड क्रिएट कर लेंगे ठीक है हमने ये सोर्स कोड क्रिएट कर लिया अब हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर इसको समझ पाए कंप्यूटर हमारे द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को नहीं समझ सकता कंप्यूटर सिर्फ जीरोस एंड वंस की भाषा समझता है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज तो इन दोनों के बीच में हमें कुछ चाहिए जो कि ट्रांसलेट करता हो मान लेते हैं कि अगर मैं हिंदी बोलता हूँ और सामने वाले बंदे को फ्रेंच आती है तो क्या मैं उसको हिंदी समझा पाऊँगा नहीं मुझे बीच में कोई ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो कि हिंदी को फ्रेंच में कन्वर्ट करके उसको समझा दे उसी प्रकार यहाँ पर हमें बीच में एक कंपाइलर चाहिए होगा जो कि इस सोर्स कोड को मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा ठीक है तो जब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर देगा एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में एक फाइल क्रिएट कर देगा उसको यूज करके ये कंप्यूटर रन कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है इस प्रकार से आपका कंपाइलेशन प्रोसेस होता है ठीक है तो सिंपल ऐसा नहीं है कि हमने लिखा कि भाई प्रिंट कर दे हेलो वर्ल्ड उसको एंड वन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बाद जाके वो चलेगा ठीक है एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको हमने बोला कि भाई ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू टू और ऐसा करो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ये कर दो तो क्या ये कंपाइलर को समझ में आएगा नहीं आएगा कंपाइलर को पता ही नहीं ए क्या है बी क्या है सी क्या है प्लस क्या क्या चल क्या रहा है उसको नहीं पता ठीक है उसको क्या चाहिए ये कंपाइलर के पास जाएगा ये, ये एक ये फॉर्मेट बनेगा और ये कंप्यूटर के पास जाएगा जो कि जीरो जीरो वन की फॉर्म में होगा और उसके बाद कंप्यूटर बोलेगा अच्छा ये ये तो मैं कर देता हूँ इस तरीके से ठीक है तो ये एक चीज है जिसका आपको पता होना चाहिए ज्ञात होना चाहिए कि यार एक चल क्या रहा है सो दैट्स वाई वी नीड अ कंपाइलर बिटवीन योर सोर्स कोड और आपका कंप्यूटर ठीक है सो so, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं कोडिंग एजाज के बारे में इस फ्री डीए से कोर्स को आप तक तो पहुंचाने में कंटेंट क्वालिटी कंटेंट एक्सपर्टीज से लेकर वीडियो स्पॉन्सरशिप तक एक मेजर चंग जो है कोडिंग एजाज ने सपोर्ट किया है ताकि आप तक तो कोर्स पहुंच पाए थैंक्स टू दम कोडिंग निजाज क्या है इट इज़ ऑफ द लार्जस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेस दे सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्स के अंदर आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार मशीन लर्निंग कर लूँ एंड्रॉइड कर लूँ डेवलपमेंट कर लूँ लाइन कर लूँ कोर सब्जेक्ट ओ एस वगैरह पढ़ लूँ मैं यार डी कर लूँ जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेस ले पाएंगे सबसे प्यारी चीज जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग की एजाज के वो है कि यहाँ पर वन ऑन वन डाउट रिजोविंग सपोर्ट अवेलेबल है अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक से दो घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा कोर्सेस जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियाँ फोड़ चुके हैं तो उसके आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है लैंग्वेज की अगर बात करें हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियो में मिल जाएंगी तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा धन्यवाद तो भैया कंपाइलर जो है वो सिर्फ ये कन्वर्जन वाला काम ही करता है और कुछ नहीं करता क्या तो आपका जो कंपाइलर होने वाला है वो सबसे पहले तो ये ट्रांसलेशन हैंडल करेगा ठीक है जो मशीन को समझ में आता है वो ये करेगा सेकंड चीज़ ये आपको मदद करेगा एरर निकालने में भी अगर आपका कोई कंपाइल टाइम एरर है कोई रन टाइम एरर है तो आपको पता लग जाएगा जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये पर्टिकुलर लाइन में दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत आ रही है ठीक है तो हमें समझ में आ गया कि यार ये ट्रांसलेशन भी संभाल लेगा और ये एरर भी बता देगा हमको ठीक है तो ये आपका कंपाइलर का थोड़ा सा हमने आपको ओवरव्यू दे दिया यहाँ पे आपको समझ में आ गया कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है अब प्रोग्राम लिखना शुरू करें चलो आ जाओ अब एक प्रोग्राम लिखने के लिए रन करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक आई डी की नीड पड़ने वाली है ठीक है आई क्या होता है भैया ये आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है ठीक है बहुत भारी नाम है सिंपल शब्दों में समझाते हैं आपको एक ऐसी जगह जहाँ पे आप कोड लिख पाएं और उस कोड को एग्जीक्यूट कर पाएँ उसको हम आई बोल रहे हैं ठीक है बहुत सारे हो सकते हैं यार आपका कोड ब्लॉक्स होता है ठीक है उसको आप यूज़ कर सकते हो आपका वी कोड होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो ऐसे बहुत सारे हैं ठीक है, है? इंस्टॉल कैसे करना है एक आप YouTube वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाए कैसे इंस्टॉल करना है ठीक है बाकी आजकल रिमोट आई डीज भी बहुत सारे हैं तो आपको इंस्टॉल करने की नीड भी नहीं है अगर आपने सुना हो रेपल आई के बारे में ठीक है तो यहाँ पर आप सीधा जाके एक सी प्लस प्लस फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं अपना कोड करने के बाद ठीक है बहुत आसान होता है अगर आपने दिक्कत जो इन शॉट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगा ठीक है बहुत आसान चीज़ होती है एक बार आपको मैं फिर भी दिखा देता हूँ तो एक बार आपको दिखा देता हूँ हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं आर ई पी एल आई टी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मान लेते हैं कि मुझे सी प्लस प्लस की एक फाइल क्रिएट करनी है मैंने क्या बोला क्रिएट रेपल क्रिएट रेपल मैंने बोला सी प्लस प्लस की रेपल बना दो और मैंने उसको टाइटल दे दिया कि भाई सैम्पल और क्रिएट कर दिया ठीक है अब यहां पर यह खुल जाएगा और यहां पर ही यह खुल जाएगा अब मैं अगर रन करके देखू तो आप देख सकते हो कि यार यहां पर कोड चल रहा है ठीक है तो यहां पर भी आप अपना कोड कर सकते हो अगर आप चाहो तो ठीक है मैं यहां पर वीएस कोड का यूज कर रहा हूं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकू ठीक है अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम के साथ जिसका नाम हमने रखा है नमस्ते दुनिया नमस्ते दुनिया तो आईडी का बेसिकली ये रहता है यार अगर मैं मैंने आपको बोला कि कोई भी आप रैंडम यूट्यूब वीडियो देख लो और वहाँ से इंस्टॉल कर लो कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है तो वो रैपल आई वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं जहाँ पे आप सिंपल अपना रैपल क्रिएट करके कोड करो और एग्जीक्यूट करो ठीक है दोनों ऑप्शन आपके पास है कहीं फर्स्ट हो कमेंट से बता देना मैं हेल्प कर दूंगा नमस्ते दुनिया क्यों भैया नमस्ते मतलब हेलो हो गया दुनिया मतलब वर्ल्ड हो गया तो हेलो वर्ल्ड तो सब करवाते ही हैं हम तो नमस्ते दुनिया करवाएंगे ठीक है शुरू करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत हमने फ्लो चार्ट में क्या देखा था हमने फ्लो चार्ट में ये देखा कि यार फ्लो चार्ट में शुरुआत हमेशा स्टार्ट से होती थी तो हमें पता होता था कि यार यहां से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो जब मैं कोड लिख रहा हूं तो कंपाइलर को पता होना चाहिए कि मुझे स्टार्ट कहां से करना है ठीक है तो स्टार्ट कहां से करना होता है इंट मेन से सब कुछ स्टार्ट होता है ये चीज ठीक है इसको रन करके देखते हैं एक बार डन एग्जीक्यूट हो गया कोई एरर नहीं आया ठीक है अब हुआ क्या है आपको समझाते हैं एक बार हमने क्या लिखा है इंट मेन ये दो ब्रैकेट्स लगा दिए ठीक है तो यहां पे अभी के लिए सिर्फ अभी के लिए मैं इसको समझ रहा कि यहां से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है ठीक है जब फ्लो चार्ट में स्टार्ट वाला कॉम्पोनेंट डाला करते थे वो यहां शुरू होता है ठीक है आपने बोला कि ये पांच नाम प्रिंट कर दो तो कंपाइलर जब आएगा सबसे पहले ढूंढे इंट मेन कहां लिखा हुआ है उसको ढूंढ के लाओ ठीक है ये चीज हमें समझ में आ चुकी है ये ब्रैकेट्स किस लिए ये ब्रैकेट्स का मतलब यह है कि यहां इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक जो भी कोड लिखा हुआ है वो सारा इंटमेन का है ठीक है बहुत सिंपल शब्द मैं आपको मैं। कोई नहीं है बहुत सिंपल है मैंने क्या बोला कि यार ये इंटमेन है ये मुझे दर्शा रहा है कि मेरा प्रोग्राम यहां से स्टार्ट करना है और ये ब्रैकेट से बीच में जितना भी जो भी लिखा होगा यहां से यहां तक ये यह सारा इंटमेन का होगा इतनी बात समझ में आ गई है इसको पूरे को हमने कंपाइल करके भी यहां पर देखा अभी दोबारा आपको करके दिखाता हूं ये हमने आपको कंपाइल करके देखा था इंट में लिखा हुआ है मैंने आप इसको रन करा रन करा डन सब कुछ हो गया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब हम क्या चाहते हैं हमारा तो कुछ और टारगेट है हमारा टारगेट था हम क्या करेंगे हमें प्रिंट करना है नमस्ते दुनिया ये टारगेट हमने लिया है पहले प्रोग्राम के लिए ये चाहिए भैया ये कैसे आएगा ठीक है सी प्लस प्लस में प्रिंट करने की फंक्शनलिटी ऑलरेडी दी हुई है ठीक है हमें लिखने की नीड नहीं है उन्होंने एक तरीका दिया है जिसका यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं ठीक है हमें कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना है उस तरीके को उठाना है और प्रिंट हो जाएगा तो क्या है वो तरीका उसको हम बोलते हैं सी आउट तो सी आउट का यूज करके हम कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हैं कैसे दिखाते हैं आपको हमने बोला सी आउट नमस्ते दुनिया ठीक है ये चीज समझ में आ गई हमने बोला सी आउट नमस्ते दुनिया इससे हमारा प्रिंट होना चाहिए ठीक है हम इसको रन करके देखते हैं एक बार एक दिक्कत होगी अभी तो देखो आपको यहां पे दिख रहा है यार कि यूज ऑफ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर सी आउट कंपाइलर कह रहा है ये सी आउट क्या होता है कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा वो कह रहा है ये सी आउट क्या चीज है भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा अब इसको चलाने के लिए मैं दो चीजें और ऐड करनी पड़ेगी उनको ऐड करता हूं जल्दी से इंक्लूड आई यू स्ट्रीम तो ये दो चीजें मैंने अभी ऐड करी है क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं एक बार चला के देखते हैं आपके चलता है कि नहीं चलता आ, इसको मैं क्लियर कर देता हूं इसको मैं रन करता हूं नमस्ते दुनिया तो हमने नमस्ते दुनिया प्रिंट कर लिया है हमने अपना पहला प्रोग्राम रन करवा लिया सक्सेसफुली अब चल के आ रहा है एक बार समझते हैं तो हमने यहाँ पर क्या बोला इंक्लूड करो आईयो स्ट्रीम तो ये कोई फाइल है जिसके अंदर आपका सी आउट का कोड पड़ा हुआ है मैंने आपको बोला कि प्रिंट फंक्शनैलिटी ऑलरेडी कहीं पर डिफाइंड है हमें दोबारा लिखने की नीड नहीं है तो वो कहाँ पर है तो आपके आई स्ट्रीम में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि कैसे प्रिंट होता है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं कह इसको जानने में ठीक है तो हमने वो कोड को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया अब जब हमने इस कोड को इंक्लूड कर लिया तो हम सी आउट यूज कर पाएंगे अब ये इस लाइन का क्या मतलब है हमने बोला कि यार मुझे ना एस टी डी वाला नेम स्पेस यूज करना है अच्छा ये क्या होता है भैया तो सी प्लस प्लस में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बहुत सारे नेम स्पेसिस होते हैं ठीक है हमने क्या बोला एक मान लो कि इस नेम स्पेस में सी आउट है एक इसमें सी आउट है हमने क्या बोला कि यार मुझे एस टी डी वाला नेम स्पेस जो है ना उसका सी आउट यूज करना है ठीक है जो एस टी डी वाला नेम स्पेस है उसका सी आउट मुझे यूज करना है ठीक है तो यहां पर हमने उस मेथड को उस पूरी फाइल को इंक्लूड कर लिया यहां हमने बता दिया कि हम एस वाला नेम पे यूज करेंगे यहां मैंने बोला कि प्रिंट कर दो नमस्ते दुनिया को ठीक है ये क्या चीज है भैया ये कैसे ऑपरेटर्स है समझाना है एक बार ठीक है तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि यार इनका क्या मतलब है ये दो साइन यहां पर बने पड़े हैं लेस देन लेस देन के इनका क्या मतलब है किस लिए हैं ये तो सी आउट के साथ हम इसको यूज करते हैं टू राइट टू राइट ऑन टू स्टैंडर्ड आउटपुट अगर आपको कोई भी चीज डिस्प्ले करवानी होती है एस टी डी नेम स्पेस के अंदर तो आप इन साइन का यूज करते हैं अगर मान लो गलती से आपने इसको इस तरीके से लिख दिया तो ये आपको कंपाइलेशन एरर दे देगा समझे तो आपको कोई भी चीज अगर आउटपुट करवानी है सी आउट के साथ आपको हमेशा इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा तो ये आपको ऑपरेटर बेसिकली डिस्प्ले कराने के लिए राइट करने के लिए यूज होता है ठीक है ये हमारा टेक्स्ट है जो हमें डिस्प्ले कराना था यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं लव बब्बर आपने इसको रन कर दिया तो आप देख सकते हैं यहां पे मैं लव बब्बर हूं आ गया ठीक है ठीक है उसके बाद हमने क्या बोला हमने बोला कि फिर दोबारा सेम ऑपरेटर आ गया यानी यहां ये कुछ ये जो कुछ एंडल नाम की कोई चीज है इसको हम फिर दोबारा कुछ डिस्प्ले या फिर प्रिंट कराना चाह रहे हैं एंडल क्या होता है भैया तो एंडल का क्या मतलब है एंड एल का मतलब है नई लाइन या फिर एंटर आप समझ सकते हैं आसान भाषा में आप जब भी वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख 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 के एंटर मारते हैं तो क्या होता है नई लाइन पे पहुंच जाते हैं तो इस एंड एल का मतलब वही है ये आपके कर्सर को अगली लाइन पर पहुंचा देगा मान लेते मैंने नहीं डाला होता तब क्या होता हटाते हैं इसको आपका कोड कुछ इस तरीके का होता इसको मैं क्लियर कर देता हूं रन करते हैं ठीक है तो आपने क्या देखा कि अभी मैं लव बब्बर हूं के आगे कोई एंटर नहीं आया है ठीक है अब एक बार एंडल लगा के प्रिंट करते हैं अब प्रिंट करते हैं तो आपको क्या दिखा कि यार इसमें यहां पर एक नई लाइन आ गई है और यहां पर एक नई लाइन नहीं आई है तो एंडल का क्या मतलब है कि आप एक नई लाइन प्रिंट कराना चाहते हैं समझ में आ गई क्या कोई और तरीका है नई लाइन प्रिंट कराने का बिल्कुल है देखिए मैंने लिखा कि यार ऐसा करता हूं यहां पे ना आ, ये कर देता हूं और फिर इसको प्रिंट कराता हूं इसको मैं हटा देता हूं अभी इसको करते हैं तो देखो यहां पे अभी भी नई लाइन आ गई तो ये जो करेक्टर है आपका ये मैप्ड है आपका एंटर के साथ तो ये आपका न्यू लाइन करेक्टर है जो कि आपका फिर दोबारा एंटर से मैप्ड है इसमें और एंडल में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सेम काम कर रहे हैं दोनों के दोनों क्या कोई और तरीका लिखने का बिल्कुल है अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और यहां लिख दूं क्या ये चलेगा बिल्कुल चलेगा इसको मैं हटा देता हूं पहले रन करते हैं फिर इस एंटर आ गया एक बार और ठीक है तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है क्या मैं इसको यहां से हटा दूं और अगर ऐसे लिख दूं तो क्या ये चलेगा बिल्कुल चलेगा क्लियर रन अगेन फिर दोबारा नई लाइन आ गई तो हमें ये चीज समझ में आ चुकी कि हाँ एंडल लिख सकते हैं या फिर ये मैं स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ और यहां से बात बन जाएगी ठीक है मेजॉरिटी लोग एंडल यूज करते हैं ठीक है नई लाइन के लिए तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं सेम ज्यादा मेहनत नहीं है तो आप ये चीज समझ सकते हैं ठीक है भैया ये भी समझ में आ गया अभी एंडल के बाद ये सेमी कॉलन है ये किस लिए है सेमी कॉलन ये आपकी लाइन को एंड करने के लिए है जैसे इंग्लिश में होता है ना यार आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपने डॉट लगा दिया फुल स्टॉप लगा दिया कि हाँ ये खत्म हो गई तो ये भी यहां पे वही सिग्निफाई करता है आपके कंपाइलर को ये बताता है कि भाई ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है ये वाली स्टेटमेंट यहां पे खत्म हो गई है अब अब इसके आगे फिर अगली स्टेटमेंट शुरू होगी तो वही चीजें कह रहा है सेमी तो यहां पर हमें हमारा पहला प्रोग्राम समझ में आ चुका है ठीक है जो जो आपको लग रहा है थोड़ी में होनी चाहिए रुको सेकंड लेक्चर है धीरे धीरे आगे जैसे जाते जाएंगे समझते जाएंगे एक बार में सारी चीज लाके नहीं रख दूंगा आपके सामने जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती जाएगी वो वो चीज हम समझते जाएंगे ठीक है तो यहां पर हमारा पहला प्रोग्राम तो बन चुका है जिसका नाम हमने रखा है नमस्ते दुनिया रन कर देते हैं इसको एक बार चल गया ठीक है तो नमस्ते दुनिया वाला प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है हमने समझ लिया कि यार एक फैट हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है नेम्स पे सभी हम एस वाला यूज़ कर रहे हैं हेडर फाइल क्यों यूज़ करें क्योंकि ये सी आउट का जो कोड होगा वो इसके अंदर कहीं पड़ा होगा इंट मेन के जो टोटल एग्जीक्यूशन है वो इस ब्लॉक के अंदर है जो भी होगा वो सब इंटमेन का होगा ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी है स्ट्रिंग क्या होता है ये आपको आगे बताता हूँ मतलब ये चीज़ हम डिस्प्ले कराना चाहते थे अभी तक इतना समझते हैं और उसको हमने यहाँ पे लिख दिया डबल कोमा के अंदर सिंगल में क्यों लिखा भैया ये भी हम आगे समझेंगे अभी एंडल मतलब नया लाइन सेमी कॉल मतलब लाइन एंड डन इतना हम समझ चुके हैं अब तक अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं यार ठीक है एक एक करके चीजों को समझना शुरू करते हैं अब कुछ नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाले है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं यार हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में अगर आपको कोई भी चीज मेमोरी में स्टोर करवानी है सी प्लस प्लस के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा उसका टाइप बताना पड़ेगा किस टाइप की चीज है और कितना स्पेस लेने वाली है ठीक है एग्जाम्पल समझते हैं मैंने बोला इंट ए इज इक्वल टू फाइव मैंने ये बोल दिया इससे आपको क्या समझ में आता है कि यार एक ए है कोई चीज और वो इंटीजर टाइप का है और उसकी वैल्यू पांच है क्या समझ में आता है मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन गया होगा जिसका नाम ए होगा और जिसके अंदर पांच स्टोर हो चुका होगा डन है समझते हैं इस चीज को एक बार तो जब हम लिखते हैं कि इंट ए तो यहां से कंपाइलर को क्या पता लगता है कि कोई वेरिएबल है जिसका नाम है ए कोई वेरिएबल है जिसका नाम है ए और जिसका टाइप है इंटीजर ठीक है तो कंपाइलर को क्या पता है कि यार कोई एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए और जिसका टाइप है इंटीजर। अब जब इंटीजर उसका टाइप है तो मुझे क्या करना है कंपाइलर को क्या करना है कि चार बाइट स्टोर करनी है उसके लिए चार बाइट मतलब बत्तीस बिट तो कंपाइलर क्या करेगा मेमरी में जाके भाई चार बाइट की मेमरी ब्लॉक कर देगा इसके लिए और इसमें जो भी ए का जो कंटेंट होगा फाइव वो इसमें आके डाल देगा बाइनरी की फॉर्म में तो इस तरीके से आपके कंपाइलर को क्या पता लग गया इस चीज टाइप की वजह से इस डेटा टाइप की वजह से उसको क्या समझ में आ गया कि यार किस तरीके का डेटा इसमें जाने वाला है और कितनी मेमोरी वो लेगा एक ही चीज से हमें दोनों चीजें पता लग गई टाइप ऑफ डेटा पता लग गया कि टाइप ऑफ डेटा क्या होगा और कितनी मेमोरी लेगा दोनों चीज समझ में आ गई भैया इंट हमेशा चार बाइट लेता है नहीं इंट दो बाइट भी ले सकता है पर वो डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर सिस्टम टू सिस्टम ठीक है जनरली जनरली आप चार बाइट एलोकेट होती है आपके इंटीजर के लिए इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है तो आपका इंटीजर इस तरीके से तो स्टोर होने वाला है एक चीज होती है कैर जो तो आपका करेक्टर्स के लिए होता है मैंने क्या बोला करेक्टर कैर सी इज इक्वल टू ए सिंगल इन्वर्टेड गोमा तो इसका क्या मतलब है कि करेक्टर जब भी हमें दर्शाना होगा हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दर्शाएंगे हमने समझा दिया यहां कि भाई कैर सी एच इज इक्वल्स टू ए सेमी कॉलन मैंने क्या बोला कि मेमोरी में भाई एक सी एच नाम का वेरिएबल बना दो और उसके अंदर ए स्टोर कर दो ये हुआ है बिहाइंड द सीन्स ठीक है तो ये सी एच मेरा वेरिएबल नेम है कैर मेरा डेटा टाइप है जो कि दर्शाता है कि करेक्टर की फॉर्म में होगा ठीक है और क्या बताता है जब भी कैर होगा तो मेमोरी में एक बाइट में आपको डेटा सेव करना है एक बाइट मतलब आठ बिट तो आपका डेटा जो ए है वो इसके अंदर एक बाइट की फॉर्म में सेव हो जाएगा ये हमारा कैर होता है और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास एक चीज होती है बूल 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 आपने सुना होगा जो कि दर्शाता है दो वैल्यूज ट्रू फॉल्स वन जीरो तो ये हमें पता लगता है यार जब भी हमें कुछ बताना कंडीशन में कि यार हां या ना ट्रू या फॉल्स तो बुलियन का प्रयोग होता है जो कि आपका एक बिट का होता है बस तो मेमोरी में एक बिट स्टोर होगी मैंने बोला कि यार बूल बी इज इक्वल टू वन तो यहां पे वन स्टोर हो जाएगा बी के लिए ठीक है आगे चलते हैं मैंने बोला फ्लोट फ्लोट एफ इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे तो आपका फ्लोट डेटा टाइप यूज होगा जिसमें आपकी आठ वाइट स्टोर होती है आपने बोला कि एफ है और वन पॉइंट टू डाल दे इस तरीके से आपका स्टोर हो गया ठीक है मैंने बोला डबल डबल डी इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू थ्री सेम आठ वाइट डी वन पॉइंट टू थ्री डन इस तरीके से कुछ कुछ डेटा टाइप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं कितना कितना स्पेस ले रहे हैं और किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं वो आपको पता लग गया अब तक ठीक है अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं अब मैंने क्या बोला जो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं ये एक वेरिएबल नेम है अब वेरिएबल नेम की भी कन्वेंशन होती है कुछ रूल्स होते हैं कि मुझे क्या क्या नाम में रख सकता हूँ आप छोटे लेटर यूज़ कर सकते हैं आप बड़े लेटर यूज़ कर सकते हैं आप नंबर यूज़ कर सकते हैं ठीक है ए वन लिख दिया आप अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं ए अंडर वन ठीक है हमें एक बात का ध्यान रखना है कि नंबर से कभी वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं करना है ये गलत तरीका है आप ए बी सी वन लिख सकते हैं वो चलेगा अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ये भी चलेगा तो इस वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना ताकि आप गलती ना करें कभी भी नंबर स्टार्टिंग में डाल देना गलती हो जाएगी ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कोड के साथ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा तो मैंने क्या बोला मैंने बोला कि इंट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री सी आउट ए और मैंने यहां पे प्रिंट कर दिया ए तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमने क्या लिखा है हमने बोला कि इंट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री एक सौ तेईस और इसको हमने यहाँ पे सी आउट कर दिया प्रिंट करा दिया और यहाँ पे एक नई लाइन ठीक है एंडल लिख दिया रन तो यहां पे वन टू थ्री प्रिंट हो गया इंटीजर है ठीक है बहुत बढ़िया हमने क्या लिखा ए इज इक्वल्स टू वी डाल दिया हमने इसको चलो ठीक है हमने इसको प्रिंट कर दिया इसमें गलती है अभी देखना हमने यहां प्रिंट कर दिया प्रिंट करते हैं अब यहां पे गलती हो गई यार इसने बोला रीडेफिनेशन ऑफ ए इसने बोला यार प्रीवियस डेफिनेशन यहां पर है ठीक है तो हमें क्या दिखा पे कि मैंने को बोल दिया कि ये कैर है तो कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है यहां पे हम गलती कर गए हैं तो हमें इसको सुधारने के लिए भी दू दूसरा नाम देना पड़ेगा मैंने इसको बी बोल दिया मान लो और यहां बी करके प्रिंट करा दिया अब चला के देखते हैं अब देखो वी आके प्रिंट हो गया बहुत आसानी से किसी को कोई दिक्कत नहीं सही चल रहा है एकदम ठीक है अब इस ए को अलग अलग डेटा टाइप के साथ कैसे यूज करना है कैसे कर सकते हैं उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे अभी के लिए इतना समझ में आ कि यहाँ पे गलती कर दें उसको हमने ठीक कर दिया ठीक है आगे चलते हैं हमने बोला बूल बी एल इज इक्वल टू ट्रू हम ट्रू भी लिख सकते हैं हम वन भी लिख सकते हैं दोनों सेम है ट्रू वन फॉल्स जीरो ठीक है रन करते हैं वन टू थ्री हमने प्रिंट नहीं किया प्रिंट करते हैं इसको प्रिंट करते हैं इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार वन आ गया तो हम जब भी बूल को प्रिंट करेंगे अगर ट्रू होगा तो वन प्रिंट हो जाएगा अगर फॉल्स है तो जीरो प्रिंट हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं मैंने बोला फ्लोट एफ इज इक्वल टू वन पॉइंट टू मैंने बोला प्रिंट कर दो ठीक है आप स्पेस देंगे तो भी चलेगा नहीं देंगे तब भी चलेगा अब यहां पर वन पॉइंट टू प्रिंट हो गया यह भी अच्छा चल रहा है सही चल रहा है डबल d टू वन पॉइंट टू थ्री सी ऑफ रन करते हैं 1.23 सब अच्छे से चल रहा है ठीक है अब एक चीज होती है साइज ऑफ साइज ऑफ ये आपको दर्शा देगी कि यार कौन सी चीज कितना स्पेस ले रही है एग्जांपल के लिए हमें क्या पता है कि इंट जो है वो चार बाइट लेता है तो हम चेक करते हैं कि ए का साइज क्या है साइज ऑफ ए अब इस साइज ऑफ ए को हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा हमने बोला कि साइज हमने एक वेरिएबल बनाया इसका नाम साइज दे दिया और उसमें ए के साइज को स्टोर कर लिया अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं हमने बोला कि साइज ऑफ ए इज और यहां पर हमने लिख दिया ए अब देखते हैं क्या आंसर आता है ओ साइज ऑफ ए इज वन गलती करी हमने कहीं पे कहा गलती करी है? सोचो एक बार हमने बोला साइज ऑफ ए इज ए लिख दिया यहां पे हमने हम तो ए ही प्रिंट कर दिया हमें क्या प्रिंट करना था साइज प्रिंट करना था तो यहां पर हमने साइज प्रिंट कर दिया अब चला के देखते हैं क्लियर कर देता हूं एक size of A is 4 दिखा दिया इसने मान लो अगर मैं डबल का साइज चेक करना चाह रहे हैं तो मैंने क्या बोला कि यहां पे डबल का साइज निकाल लो और प्रिंट कर दो साइज अब चला के देखते हैं एट आना चाहिए एट आ गया तो इस प्रकार हम साइज भी देख सकते हैं कि यार किसको कितना अलॉट हुआ पड़ा है तो यहां पे हमने समझ लिया कुछ कुछ सारे नहीं कुछ डेटा टाइप हमने देख लिए है हमें थोड़ा बहुत लग गया कि ठीक है क्या मैं इस कैर को ऐसे लिख सकता था कैर बी इज इक्वल्स टू ए बी हा नहीं अगर मैं कोई भी करेक्टर यहां पर देना चाह रहा हूं साइन करना चाह रहा हूं तो सिंगल करेक्टर हो सकता है हमेशा सिंगल इन्वर्टेड गोवा में सिंगल करेक्टर होगा डबल करेक्टर आप नहीं दे सकते इम्पॉसिबल नहीं हो सकता किसी कैर टाइप के वेरिएबल में आप डबल करेक्टर नहीं दे सकते सिंगल करेक्टर आपको देना पड़ेगा तो डबल एक्टर वाली चीजें कैसे सॉल्व करेंगे भैया वो हम आपको आगे बता देंगे अभी जितना यूज है वो आपको हम दर्शा रहे हैं इतना हमें समझ में आ चुका है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि मेमोरी के अंदर चीजें कैसे स्टोर होती है थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दिया था अब थोड़ा डेप्थ में जाके देखते हैं मैंने आपको बोला कि हाउ डेटा इज स्टोर ये कैसे होता है ये समझना एक बार मैंने बोला यार कि इंट ए इज इक्वल टू आर्ट मेमोरी में कैसे स्टोर होता है मुझे क्या पता है है वो चार बाइट का है ठीक है चार बाइट की मेमोरी अलोकेट हो गई होगी एक दो तीन चार तो अब क्या होगा इस एट को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है जब इस को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो आएगा वन जीरो 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 ठीक है ये तो चार बिट है सिर्फ और यहां पर तो टोटल थर्टी टू है यहां आठ है यहां आठ है यहां आठ है आठ है तो ये क्या करेगा इन चार बिट को यहां पर डाल देगा वन जीरो 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 और उसके अलावा हर किसी को जीरो 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 इस तरीके से ये मेमोरी में स्टोर हो जाएगा इस तरीके से आपके इंटीजर्स मेमोरी में स्टोर होते हैं ये चीज समझ में आ रही है हमें धीरे धीरे आगे लेवल बढ़ाते जाएंगे ये चीज हमें समझ में आ चुकी है अब मान लेते हैं कि इंट ए इज इक्वल टू फाइव तो फाइव का बाइनरी तो वन जीरो वन होता है ठीक है तो ये तो तीन ही बिट है और यहाँ पर तो टोटल 32 बिट की फॉर्म में स्टोर होगा मेमोरी के अंदर तो क्या होगा कि लास्ट के तीन बिट 101 हो जाएगी और बाकी की 29 बिट जो है वो सारी 000000000 000 000 हो जाएगी इस तरीके से आपका काम होता है एक प्यारा सवाल दिमाग में आ रहा होगा ठीक है भैया ये तो पॉजिटिव नंबर्स हैं फाइव है आपका एट है अगर कोई नेगेटिव नंबर हुआ नेगेटिव नंबर हुआ तब क्या करोगे पता कैसे लगे नेगेटिव नंबर है और स्टोर कैसे होता है यहां पर थोड़ी गेम है यहां पर कैच है ये हम पकड़ेंगे इसमें थोड़ी और डेप्थ में जाएंगे अभी ठीक है इसको भी रखते हैं आगे बढ़ते हैं हमने बोला कि कैर सी एच इज इक्वल्स टू ए भैया नंबर तो आपने कन्वर्ट कर लिया था बाइनरी में इसको कैसे करोगे ठीक है अब एक चीज हमें सर्च करनी है वो क्या है एस्काई टेबल सी प्लस प्लस में क्या है कि आपके जितने करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे किसी एस्काई वैल्यू से मैप्ड हैं ठीक है जैसे मान लो हमारे पास ए है और ये नाइन्टी सेवन से मैप्ड है चेक करना एग्जैक्ट पता नहीं मुझे नाइन्टी से है ही नहीं बट आप एस्काई टेबल चेक करोगे पता लग जाएगा आपको तो आपको अगर ये नाइन्टी सेवन से मैप्ड है तो करना क्या है ये नाइन्टी सेवन है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में और उसको हमने स्टोर करा लिया सिंपल है अब कैर क्या होता है एक बाइट का होता है यानी कि आठ बिट्स आठ बिट्स हो गई आपकी अब इन सब में जीरो या वंस डलेंगे तो आप यहां पर क्या करने वाले हो जो भी आपकी करेक्टर की एस्काई वैल्यू होगी उस एस्काई वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके आप यहां पर डाल दोगे इस तरीके से आपका करेक्टर स्टोर होता है समझ में आ गई बहुत बढ़िया आपका होमवर्क क्या है एस्काई टेबल सर्च करना है एक बार देखने में कैसा होता है ये होमवर्क है आपका अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ठीक है भाई मुझे समझ में वो करेक्टर होता है और बत्तीस बिट वाला जो इंटीजर की चार वाइट में, एक दो तीन चार मान लो यहां पे कुछ पड़ा हो बाइस यहां पड़ा हो वन जीरो वन यहाँ ट्वेंटी एट और यहां फोर्टीन ये आपका मान लो टोटल बन के आ रहा हो ये कैसे पता लगेगा कि यार इसको मैं करेक्टर के में

जब हमने ये पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर कराई होगी हमने कुछ इस तरीके से कराई होगी ना इंट इज इक्वल टू वन टू थ्री इस तरीके से या फिर हमने चार बाईट से कराई होगी है ना तो ये जो डेटा टाइप है कंपाइलर को इससे पता लग जाएगा कि यार ये इंटीजर है ये चार करेक्टर नहीं है ये तो इस डेटा टाइप की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ये चार करेक्टर हैं या फिर ये एक इंटीजर है यहाँ से हमें ये चीज़ पता लग गई क्या मैं इनको आपस में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या मतलब है भैया इस बात का एक चीज़ होती है टाइप कास्टिंग टाइप कास्टिंग एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने की बातें हो रही है ठीक है इस चीज को थोड़ा तो डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या मैं ये लिख सकता हूं मान लो ए जो है वो नाइनटी सेवन से मैप कर रहा हूं एसकाई टेबल में और अब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करू तो मेरा आंसर क्या आएगा क्या ये मुझे कोई एरर देगा या फिर मुझे नाइनटी प्रिंट करके देगा क्या होगा देखें चलो इसको हम कमेंट कर देते हैं कमेंट का क्या मतलब है कि ये कोड बस टेक्स्ट ही है इससे कुछ रन या कुछ एरर वगैरह नहीं आने वाला है तो जब मैं इस तरीके से इसको इस ब्लॉक में डाल देता हूं तो ये कमेंट में आ जाता है अब मैंने क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि इंट ए इज इक्वल्स टू ये और मैंने बोला कि यार इसको प्रिंट कर दो अब इसको प्रिंट करके कर देखते हैं क्या होता है क्लियर आउटपुट एंड रन 97 हो गया तो यहां पर क्या हुआ है ये वाला जो ए है यह टाइप कास्ट हो गया है इंटीजर के अंदर ठीक है कन्वर्ट हो गया इंटीजर बन चुका है, है क्या मैं इसका उल्टा कर सकता हूं उल्टा देखो क्या मैं ये कर सकता हूं कि यारीएच इज इक्वल टू नाइनटी एट भैया कैसे गया मतलब सी एच में तो कोई सिंगल के अंदर कोई करेक्टर आता ना आपने तो नंबर लिख दिया क्या इस नंबर से वो करेक्टर बन जाएगा नाइन्टी एट से बी बनना चाहिए देखते हैं क्या होता है सी आउट सी एच प्रिंट करते हैं बी बन गया तो यहां पर क्या हुआ है जब मैं लिखता हूं कैर सी एच इज इक्वल्स टू नाइनटी एट तो ये इंटीजर इस करेक्टर में टाइप कास्ट हो जाता है समझ गए बहुत अच्छी बात है एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाता हूं एक बार यहां पे देखते हैं एक बार देखो जो आपका इंटीजर होता है हमें क्या पता है यार कि चार बाइट का होने वाला है चार बाइट का मतलब, 32 बिट्स। मतलब एक, थर्टी टू बेट्स इसका मतलब कि यहां पे चार बाइट एक दो तीन चार और टोटल थर्टी टू बेट्स तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे क्या स्टोर हो सकती है टू की पावर थर्टी टू माइनस वन ठीक है ये समझ में आ चुकी है तो ये मेरी मैक्स वैल्यू हो सकती है स्टोर यहां पर और मिनी वैल्यू मेरी जीरो डन ये समझ में आ गया अब अगर मैं बोलूं कि यार कैर है और कैर सी एच है इसमें कितना एक बाइट मिलती है हमें एक बाइट मतलब आठ बिट तो जो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे स्टोर होने से वाली है वो है दो की पावर आठ माइनस वन ठीक है ये समझ में आ चुकी है और मिनिमम वैल्यू क्या है मिनिमम वैल्यू क्या है जीरो तो अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू मान लो दो की पावर सोलह जो कि इंटीजर तो है बट वो करेक्टर से बड़ी है इसमें डालने का ट्राई करूं तो उस केस में क्या होगा ठीक है उस केस में क्या होगा वो हम देखने वाले हैं तो मैंने क्या बोला कैर सी एच इज इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और मैंने बोला सीआउउट सी एच इसका नाम चेंज कर देते हैं एक बार वन वन आप देखते हैं क्या होगा क्लियर कर देता हूं इसने वार्निंग दी पहले मुझे कि दोस्त इंप्लीसिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू कैर चेंजेस वैल्यू फ्रॉम वन टू तो थ्री तो इसने क्या बोला कि भाई तू दे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रहा है बट ये सिक्सटी फोर बन रहा है क्या मतलब है इस बात का तो यहाँ पे हमने ट्राई किया यार वार्निंग हमें क्या मिली कि भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो है वो इंटीजर के अंदर पड़ा हुआ है और आप इसको ना यार कैर की एक बाइट में डालने का ट्राई कर रहे हो कैर की एक बाइट में ये क्या बोल रहा है कि यार आपकी चार बाइट है एक दो तीन चार इसमें जो लास्ट वाली बाइट है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वाली वो सिक्सटी फोर दर्शा रही है तो आपके इसमें सिक्सटी फोर जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं जा सकता भाई तो फोर चला गया जो कि आपका एट दर्शाता है और आपका पर तो एक छोटी चीज थी जो आपको समझ कि अगर मैं में आ गई बड़ी वैल्यू छोटे में ट्राई करूंगा डालने का तो लास्ट के कुछ बिट्स उठा के वो इसमें डाल देगा उसकी जो भी वैल्यू बनेगी वो प्रिंट हो जाएगी ठीक है ये चीज मैं समझ में आ चुकी है अब हम बात कर रहे थे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो थी कि हाउ नेगेटिव नंबर्स आर स्टोर्ड ठीक है बहुत सिंपल चीज है बहुत सिंपल जो भी आपकी फर्स्ट बिट होगी वो दर्शाएगी कि आप नेगेटिव हो या आप पॉजिटिव हो अगर आप पॉजिटिव नंबर हो तो आपकी फर्स्ट बिट जीरो होगी अगर आप नेगेटिव नंबर हो तो आपकी फर्स्ट बिट वन होगी समझ में आ गई ये चीज हमको बहुत आसान है तो अगर हम ये समझना चाहते हैं कि इनको स्टोर कैसे किया जाता है तो बड़ा ही प्यारा तरीका यार इनको स्टोर करने का वो समझाता हूं मैं आपको कोई भी नेगेटिव नंबर है मान लेते हैं कि माइनस फाइव है अगर मुझे इसको स्टोर तो कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो मुझे फॉलो करने ही पड़ेंगे पहला इग्नोर द नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया ये बचा पांच सेकंड कन्वर्ट इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसको जीरो में कन्वर्ट करके दिखा दो एक बार यार तो वो हो गया वन जीरो वन और स्टार्टिंग में जितने भी होगा वो जीरो 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 हो जाएगा क्योंकि चार बाइट का होता है इंटीजर ये तो आपके तीन ही बिट बन रही है बस इसलिए अगला क्या कहता है कि यार टेक टूस और कर लो टेक टूज कॉम्प्लीमेंट एंड स्टोर अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है भैया है? समझते हैं इस चीज को अगर मान लो मुझे इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है ठीक है वो कैसे होगा पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा वो कैसे होता है आपको बस बिट एक्सचेंज करना जीरो को वन बनाना वन को जीरो बनाना तो क्या होगा जीरो वन जीरो और बाकी सारे जीरो तो वन 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 ऐसे करके बन जाएगा अब टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है कुछ नहीं करना आपको वन कॉम्प्लीमेंट में एक वन ऐड कर देना है तो जीरो वन वन और बाकी सारे वन 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 तो ये क्या है कि पहली बिट आपको दर्शा रही है कि यार वन है यानी नेगेटिव नंबर है ठीक है तो आपने इस तरीके से इसको स्टोर कर लिया अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है फिर क्या करना पड़ेगा भैया मान लो अगर इंट ए इज इक्वल टू माइनस फाइव था तो इसको प्रिंट कैसे कराऊं अब ये तो हमने बना लिया इतना खतरनाक सा प्रिंट कैसे पता लगेगा कि माइनस फाइव है या नहीं है डिस्प्ले कैसे कराना है वो देख लेते हैं तो अगर मुझे नेगेटिव नंबर को डिस्प्ले कराना है बहुत सिंपल है सिंपल टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो और कुछ नहीं करना करके दिखाएं चलो हमारे पास क्या पड़ा है चार बिट में लास्ट में है जीरो वन वन और बाकी सारे वन 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 पड़े हुए हैं मैंने बोला वंस कॉम्प्लीमेंट दियो भाई वंस में क्या करना है वन का जीरो जीरो का वन ये हो गया वन ज़ीरो जीरो और बाकी सारे वन जो है वो जीरो 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 हो जाएंगे इस हिसाब से ठीक है मैंने बोला टूज कॉम्प्लीमेंट निकालियो भाई टूज कॉम्प्लीमेंट में बस आपको प्लस वन करना होता है तो ये क्या हो गया जीरो 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 और लास्ट में आपका वन जीरो वन जीरो 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 स्टार्टिंग में जब ये नंबर आपके पास आया था आपने ये उठाई थी और आपको पता लग गया था कि यार ये नेगेटिव नंबर है क्योंकि वन है एंड में जब आपने निकाला तो इस पूरे की जो वैल्यू है डेसीमल में फाइव आ गई तो जब आप प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट में आपको यहां से पता लग गया नेगेटिव नंबर है यहां से पता लगा लग फाइव है तो आपने माइनस फाइव प्रिंट कर दिया बहुत आसान समझ आ चुका होगा पूरा ठीक है जब स्टोर करना है तो भाई इस तरीके से स्टोर करो जब प्रिंट करना है तो भाई इस तरीके से प्रिंट कर दो समझ आ चुकी है आपको ये वाली अब हम आगे बढ़ सकते हैं अभी आपको क्या समझ में आ चुका है कि यार कंपाइलेशन प्रोसेस कैसा था कन्वर्ट करना पड़ता है आपको समझ में आ गया कि यार नमस्ते दुनिया वाला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया आपने हर लाइन बाई लाइन समझ लिया कि इस लाइन का क्या मतलब है आपने समझ लिया यार कि डेटा टाइप्स कैसे कैसे होते हैं थोड़े बहुत देख भी लिए ट्राई भी करके देख लिए आपने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे चीज़ें स्टोर होती है वो भी समझ लिया आपने वेरिएबल देख लिए कैसे बनते हैं कन्वेंशन क्या क्या होती है आपने नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर वाली एनालॉजी भी समझ ली ठीक है तो अब हमें क्या पता लगा यार इतना जो हमने देखा कि हमें टूज कॉम्प्लीमेंट इतना मेहनत क्यों करनी पड़ रही है अगर हम चाहते तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि पहली बिट जीरो है और दूसरी बिट वन है बाकी जो भी नंबर हो इसको मैं हमेशा पॉजिशन नंबर मान लूंगा इसको मैं को नेगेटिव नंबर मान लूंगा और बात खत्म होगी सिंपल खत्म बट यहां पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहां मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी थर्टी वन बिट बची क्योंकि पहली बिट तो ध्यान लग गई टू की पावर थर्टी वन माइनस वन यहां पर मेरी मिनिमम वैल्यू क्या बन पा रही है माइनस टू की पावर थर्टी वन माइनस वन ठीक है एक चीज यहां पर अगर आप ध्यान से पकड़ पाए तो वो ये है कि एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होगी जब यहां जीरो होगा और यहां वन होगा और यहाँ जीरो 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 और जीरो 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 दर्शार आपका जीरो आपका माइनस जीरो जो कि जीरो होता है तो एक नंबर जो कि जीरो है उसको दिखाने के लिए आप दो रिप्रेजेंटेशन का यूज कर रहे हैं आपकी दो रिप्रेजेंटेशन वेस्ट हो रही है एक सिंगल नंबर को दिखाने के लिए जीरो माइनस जीरो सेम क्या मैं इस एक रिप्रेजेंटेशन को बचा सकता हूं उसको बचाने की सारी लड़ाई है तो उस लड़ाई के लिए हमने टूज कॉम्प्लीमेंट वाला तरीका निकाला है तो इससे हमें क्या फायदा होगा पहले जो हमारी रेंज ऊपर हम देखें माइनस टू के पावर थर्टी वन माइनस वन से लेके टू की पावर थर्टी वन माइनस वन तक आ रही थी अब वो रेंज क्या हो जाएगी तो अब उस रेंज को हमने कन्वर्ट करके कर लिया है माइनस टू के पावर थर्टी वन से टू की पावर थर्टी वन माइनस वन यहां पर हमने एक रिप्रेजेंटेशन को बचाने के लिए ये पूरी कहानी लिखी हुई है ठीक है क्या यह बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छी बात है समझ में आ चुका बेसिकली हमें ठीक है तो ये पूरी कहानी थी यार आपके नेगेटिव नंबर को स्टोर करवाने की आगे चलते हैं डिफॉल्ट जो होता है यार डिफॉल्ट ये जो होता है सब कुछ ये साइंड होता है मतलब कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर स्टोर करवा सकते हो तो किसी भी इंट में चाहे वो वन हो चाहे वो माइनस वन हो कुछ भी चलेगा अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो चाहता हूं कि मेरी रेंज है वो जीरो से लेकर टूट थर्टी टू माइनस वन ही हो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही है तो आप बोल दोगे अनसाइंड इंट बस ऐसे लिखने से आपकी रेंज बढ़ गई है अब आपके सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आ पाएंगे ट्राई करें चलो इसको कमेंट कर देता हूं मैंने बोला अनसाइंड इंट ए इज इक्वल टू वन टू इसको हम प्रिंट कराने का ट्राई करता हूं एक बार क्लियर आउटपुट एरर आ गया स्पेलिंग गलत है दोबारा चलाते हैं इसने प्रिंट कर दिया यह चीज समझ में आ गई हमें बट अगर मैं इसको माइनस का लिखता तो क्या होता अगर मैंने गलती से इसको माइनस वन वन टू लिख दिया नंबर तो स्टोर होने वाला है तब क्या होगा चेक करते हैं एक बहुत ही बड़ा नंबर आ जाएगा आप यहां पे देख पा रहे हो बहुत बड़ा नंबर जनरेट हो गया समझे इस बात को देखो अब यहां पर क्या हुआ है कि आपने बोला कि यार माइनस वन वन टू सबसे पहले माइनस वन वन टू की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएबल आ गया वन वन जीरो वन इस तरीके से अभी हम एग्जैक्टली निकाल रहे हैं और यहाँ पे शुरू में जीरो 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 होगा जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा पार्ट जो है वन 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 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ वन जीरो वन इस तरीके से कुछ कुछ होगा बट स्टार्टिंग की जो बिट है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो वन होने वाली है क्योंकि माइनस वन वन टू हमने दिया है तो इस माइनस की वजह से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो फर्स्ट बिट है हमारी वन होने वाली है उस वजह से अब जब आप इसको प्रिंट करने जाओगे कि भाई प्रिंट कर दो इसको तो आपने तो बोला था ना अनसाइंड है तो कंपाइलर तो इसको पॉजिटिव नंबर ट्रीट करेगा तो कंपाइलर जब इसको प्रिंट कराने जाएगा तो ये बहुत ह्यूज वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इसमें आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है समझ गए आपने माइनस का नंबर दिया माइनस वन वन टू उस माइनस की वजह से आपने जब स्टोर कराया तो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन हो गई आप प्रिंट कराने गए तो कंपायर देखा तो अनसाइंड है पॉजिटिव होगा उसने प्रिंट करा दिया और आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वजह से आपका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़िया गई ये कहानी हो गई तो इस वजह से अगर आप कभी अनसाइंड में नेगेटिव नंबर देंगे तो ये गलती हो जाएगी इसको सुधारना है ये हमें प्रिवेंट करने है ऐसी गलती ना करें ठीक है तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है बाई डिफॉल्ट आपका साइंड ही रहता है कि आप नेगेटिव पार्शन दोनों स्टोर कर सकते हैं आपको लिखने की नीटर नहीं पड़ेगी इतना पार्ट हमें क्लियर हो चुका है अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे यार अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की ऑपरेटर्स स्टॉक मार्केट वाले नहीं चलो छोड़ो नॉर्मल ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं जैसे कि आपने एक ऑपरेटर तो ऑलरेडी जब हम फ्लोर चार्ट बना रहे थे तब देख लिया था वो था मॉडल ऑपरेटर इसको हम मॉडल ऑपरेटर बोलते हैं आपने एरिथमेटिक ऑपरेटर देखे होंगे बहुत सारे अपने फ्लो चार्ट में प्लस भी देख लिया होगा हम प्लस भी बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं माइनस हो गया मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड हो गया ये कुछ ऑपरेटर जिससे हम स्टार्ट करते हैं ठीक है सिंपल है अभी ट्राई चला के देख लेंगे आपको बेसिक आइडी देता हूँ प्लस आपको पता ही सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसी तरीके से होने वाला है मेन जहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है हर चीज वैसी रहेगी जैसे हम मैथ्स में नॉर्मल करते हैं डिवाइड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है बस हमें अगर मान लो कि हम ऐसा कुछ करते हैं कि यार टू बाय फाइव इसको हमने टू को फाइव से डिवाइड कर दिया ठीक है तो इस केस में हमारी जो नॉर्मल मैथ कहती है वो हमें क्या कहती है कि भाई आंसर आना चाहिए, बट असलियत में जब आपने सिस्टम पे इसको करेंगे एग्जीक्यूट तो ये आएगा जीरो क्यों जीरो पॉइंट फोर होना चाहिए गलत है क्या समझते हैं क्यों हुआ और कैसे हुआ ट्राई करते हैं मानते हैं किल्स टू टू बाई फाइव सी आउट ए इसको प्रिंट करा लेते हैं एक बार जीरो आ गया क्यों आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंट बाय इंट करेंगे कोई भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे जो आपका आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा जब आपका आंसर जीरो पॉइंट फोर आता है तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके जीरो आपका स्टोर हो जाता है कोई तरीका भैया इसको बचाने का एक चीज का मैं ध्यान रखना है कि अगर मैं मान लो कि फ्लोट बाय इंट कर देता हूं तो मेरा आंसर फ्लोट आएगा अगर मान लो मैं डबल बाय कर लेता हूं तो मेरा आंसर आएगा। ट्राई करते हैं मान लो मैंने इसको टू पॉइंट जीरो कर दिया होता टू पॉइंट जीरो तब क्या होता जीरो आ रहा है क्यों भैया क्योंकि आपने क्या किया है पॉइंट जीरो अपॉन फाइव कर दिया यहां से आपका आंसर फिर दोबारा क्या जीरो पॉइंट फोर बट आपने क्या बोला है आपने बोला इंट ए इज इक्वल टू जीरो जब जीरो इंटीजर में स्टोर कराएंगे तो फिर दोबारा जीरो आ जाएगा समझे दिखाता हूं आपको कैसे आपने यहां पे ए प्रिंट कर लिया अब मान लो मैं यहां पे सीधा ये प्रिंट कर देता मैं बोलता सी आउट कर दो टू पॉइंट जीरो बाय फाइव प्रिंट करके दिखाओ देखो यहां पे 0.4 आ गया पहले क्यों नहीं आया क्योंकि हम डेटा को एक इंटीजर में डाल रहे थे तो यहां पे आंसर में इंटीजर ही आएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं आएगा मान लो मैंने इसको फ्लोट में डाला होता तब क्या होता अब दोनों में आ गया मान लो मैंने इसको डबल में डाला होता अब क्या होगा अभी भी आ गया मैंने आपको क्या बोला था कि जब फ्लोट बाइंड करोगे तो फ्लोट आएगा और जब डबल बाइंड करोगे तब डबल आएगा तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि यार डिवाइड ऑपरेटर में जब भी हम लगा रहे हैं तो दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को हमेशा ठीक है अब आगे चलते हैं कुछ और ऑपरेटर्स देखते हैं आ, ये तो नॉर्मल आपको आइडिया होगा यार प्लस माइनस में डिवाइड इसमें कुछ खास है नहीं एक प्रोग्राम हम बना लेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो बनाते जाएंगे ठीक है कुछ होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे इक्वल टू इसके अंदर आ गया आपका ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये सब आपके रिलेशन ऑपरेटर के अंदर आ जाएंगे मान लेते हैं कि आपको कंपेयर करना है कि दो नंबर इक्वल है।, है या नहीं है आपने बोला कि ए इज इक्वल टू थ्री है और बी इज इक्वल टू फोर है मुझे चेक करना है कि यार ए और बी इक्वल है या नहीं है ए इक्वल टू बी है या नहीं है तो मैं कैसे करूंगा ए इज इक्वल टू इज इक्वल टू बी इसका यूज करके चेक कर लूंगा मुझे चेक करना है कि ए बड़ा है तो इस तरीके से चेक कर लिया छोटा है इस तरीके से चेक कर लिया ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू है क्या आपस में इक्वल नहीं है इस तरीके से इन कंडीशंस को मैं अप्लाई कर सकता हूँ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक बार मैंने बोला इंट इज इक्वल टू टू इंट भी इज इक्वल टू थ्री मैंने बोला कि भूल फर्स्ट इज इक्वल्स टू कि भाई चेक करियो ए इजल टू बी है कि नहीं हम देखते हैं क्या होता है हमने इसको रन कर दिया क्लियर करके ये कह रहा है जीरो जीरो मतलब होता है फॉल्स तो इसका मतलब ए और बी इक्वल नहीं है अगर मैं बोलता कि यार चेक करियो कि ये ग्रेटर देन है क्या मैं इस कॉपी पेश करता हूं इसको एक बार मान लो मैं इसको बोलूं सेकंड इसको बोलूं थर्ड इसको बोलूं फोर्थ इसमें मैं चेक कर रहा हूं कि यार ये ग्रेटर देन है यार ये लेस देन है यार ये गिर्दन इक्वल टू है यार ये लेस देन इक्वल टू है और यहां पे मैंने बोला ठीक है तो ये सारी चीजें मैंने प्रिंट करा दी इनको ट्राई करते रन करके एक बार फर्स्ट कहती है क्या ये इक्वल है ये कहता है जीरो फॉल्स नहीं इक्वल नहीं है क्योंकि टू और थ्री है क्या ए बी से बड़ा है नहीं क्योंकि ये तो टू है ना जीरो आ गया क्या ए बी से छोटा है जी हाँ ट्रू है वन आ गया क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू है गलत जीरो आ गया क्या ये लेस देन इक्वल टू है बिल्कुल सही वन आ गया क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ट्रू इक्वल नहीं है तो इस तरीके से हमने रिलेशनल ऑपरेटर भी समझ लिया हमें आइडिया लग गया इस चीज के बारे में ये चीज भी समझ में आ चुकी है मैम अब और भी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं आपके यार जैसे मान लो हम बोलते हैं इंट ए इज इक्वल टू थ्री तो यहाँ आप आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया एक तरीके से आपने ए में थ्री की वैल्यू असाइन कर दी है ठीक है आपके पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें आपका एंड एंड और नॉट कैसे क्या मतलब है इस बात का आपको कोई मल्टीपल कंडीशन को साथ में एग्जीक्यूट करना है मैंने बोला कि अगर आप तेईस साल के हो और आपकी हाइट छः फुट है और आपका वज़न एट्टी के है, हैं तो आप फिट हो तो आपको मल्टीपल कंडीशन साथ में चलानी है एंड वाली कंडीशन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी मैं आपको फिट मानूँगा तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे मैंने बोला कि अगर आप तेईस के हो या फिर छः फुट के हो या फिर अस्सी किलो के हो तो आप ठीक ठाक हो नॉर्मल हो तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन चल जाएगी तो मैं बोल दू कि आप ठीक ठाक नॉर्मल हो एंड एंड सारी कंडीशन होनी चाहिए और कोई भी एक चल जाए नॉट नेगेशन ये कैसे यूज होगी आपने कोई भी नंबर दिया मैंने बोला नॉट ऑफ ए ए मान लो ट्वेंटी थ्री था तो ये क्या कर देगा जीरो कर देगा इसको ट्रू का फॉल्स बना देगा फॉल्स का ट्रू बना देगा सिंपल ठीक है तो ये चीजें समझ में आ चुकी है एक बार चला के देखना पड़ेगा ठीक है तो इसको चला के देखते हैं मैंने बोला, int equals to 21, और मैंने बोला बोला और कि यार इसका not print कर दे एक बार क्या आंसर आना चाहिए कायदे से जीरो आना चाहिए जीरो आ गया अगर मैं इसको जीरो बोलता तो क्या होता वन आता वन आ गया तो इस तरीके से हम यहां पर गेम चला रहे हैं हमने बोला कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी मजा आएगा तो इस प्रकार आपके ये चीजें चलती हैं ठीक है अब आगे चलते हैं आगे आपके कुछ बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा आगे सेशंस में वो यूज होने वाले हैं मैं तभी आपको बताऊंगा सारी चीजें एक बार डाल के नहीं रख देंगे जब किस चीज का यूज पड़ेगा उसको तब आपको सिखा देंगे ठीक है इतना हम सीख चुके हैं कि भाई ऑपरेटर क्या होते हैं यूज़ कैसे करना है डिवाइड के टाइम सतर्क रहना है रिलेशनल ऑपरेटर कैसे यूज़ किए जा सकते हैं नॉट क्या होता है नेगेशन क्या होता है सब कुछ सीख चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं तो इतना समझ में आ चुका है हमें समझ में आ गया इस सेशन के दौरान कि भाई कंपाइलेशन प्रोसेस क्यों ज़रूरी होता है उसके बाद हमें ये समझ में आया कि यार फर्स्ट प्रोग्राम हमने कैसे बनाया क्या बनाया नमस्ते दुनिया ठीक है इतना हमने कर लिया आगे चलते हैं हमने देखा कि यार हर लाइन का मतलब क्या होता है कोड के अंदर क्या मतलब क्यों लिख रहे हैं हम रीज़न क्या है पीछे छुपा हुआ उसको लिखने का रट्टा नहीं मारना है समझना है चीज़ों को हमने समझ लिया कुछ डेटा टाइप्स हमने देख लिए कि हाँ ठीक है ये ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं हमने कुछ वेरिएबल्स देख ली हमने वेरिएबल नेमिंग की कन्वेंशन देख ली हमने कैसे स्टोर होते हैं मेमोरी के अंदर पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो कैसे स्टोर किए जाते हैं साइंड अनसाइंड क्या होता है साइंड अनसाइंड क्या होता है ये सब हमने समझ लिया ठीक है हमने ये समझ लिया कि यार ऑपरेटर क्या होते हैं ऑपरेटर हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर देख लिए हमने रिलेशनल ऑपरेटर देख लिए हमने लॉजिकल ऑपरेटर देख लिए बिट वाइज हम बाद में देखेंगे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया तो ये हमने इस पर्टिकुलर सेशन में समझा है आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि भैया समझ आया और मजा आया या फिर समझ नहीं आया तो हम सुधारेंगे चीजों को ठीक है आप बताएंगे कैसे चल रहा तभी और मोटिवेशन आएगी हमें करने के अंदर नहीं तो फायदा नहीं है है ना इतना समझ में आ चुका है आगे बढ़ेंगे कंडीशन लूप्स और बहुत सारे पैटर्न्स आपको सिखाने वाले हैं बहुत मजा आने वाला अगले लेक्चर के अंदर इस लेक्चर में इतना ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बताना जरूर है कमेंट्स के अंदर कि कैसा लगा अच्छा लगा तो बताओ अच्छा लगा बुरा लगा तो बताओ बुरा लगा है आपको करना क्या है होमवर्क के अंदर आपको होमवर्क के अंदर ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको कराई है ये सारी प्रैक्टिस करके देखनी है एक बार कि ठीक है मैंने प्रैक्टिस कर ली है सिर्फ सुनना सुनना नहीं है जब तक लैपटॉप में लिखेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा टाइप कास्टिंग का एक बार थोड़ा और प्ले करना है कि यार भैया जो आपने बताया उसमें ये चीज़ रह गई अगर कोई भी बच्चा मुझे ये बता पाता है टाइप कास्टिंग कोई भी एक एग्जाम्पल जो हमने इस वीडियो में कवर ना किया हो ऐसे कोई भी बच्चा पॉइंट आउट करते थे कमेंट्स के अंदर तो उसका सरप्राइज़ उसके जी एन आई डी पर पहुँच जाएगा जी एम आई डी भी साथ में लिख देना टाइप कास्टिंग का मुझे एक चीज़ बताना जो हम वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं ये आपका होमवर्क है ठीक है और आपको जो भी कराया है वो रिवाइज करना है इतना ही इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी पड़ी हुई मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय